नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज बिग शो में हम बात भी बड़ी करने जा रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। आज मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, आज प्रदेश का पहला बजट वित्त मंत्री के तौर पर पेश कर चुके हैं। इस बजट को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक बजट है और अब तक का हरियाणा का सबसे बड़ा बजट है। वहीं पर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष इसको सरकार की एक नाकामयाबी बता रहा है। क्या है पूरा मसला, इसको आज हम बिग शो में समझने की कोशिश करेंगे। बजट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो आंकड़े विपक्ष को क्यों नहीं रास आ रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और इस अगले एक घंटे में आपको सिलसिलेवार ढंग से आम आदमी की भाषा में समझाएंगे कि इस बजट का अक्सर मतलब क्या है। तो हरियाणा के लिए आज का खास दिन रहा, बड़ा दिन रहा, बजट वाला दिन रहा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, आज वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश किया। सत्तारूढ़ पक्ष का दावा है कि ये ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में सभी वर्गों को खुश करने के लिए उनका ध्यान रखा गया है। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, आइए पहले जानते हैं बिग शो की इस बिग रिपोर्ट के जरिए। बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर रहे सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार के बजट को लेकर वो बेहद गंभीर हैं। तमाम एक्सपर्टों से राय ली गई, जन प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट टैब से पेश किया गया। इस बार के बजट में क्या कुछ है खास और पिछली बार की तुलना में इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए, देखते हैं। मनोहर बजट पार्ट टू। मनोहर लाल ने कुल 1,42,343 करोड़ का बजट पेश किया। हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ की बजट में बढ़ोतरी की गई। कृषि एवं कल्याण विभाग के लिए 6,481.48 करोड़ आवंटित किए गए। वहीं तकनीकी शिक्षा के लिए 705.04 करोड़, रोजगार के लिए 416.02 करोड़, परिवार एवं रोजगार कल्याण के लिए 6,533.45 करोड़, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,591.27 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 3,541.32 करोड़, बिजली विभाग को 7,302.86 करोड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 6,294.79 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए 4,916.51 करोड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को 8,770 करोड़, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए 519 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 103.40 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 173.07 करोड़, गौशालाओं के लिए 50 करोड़, उद्योग वाणिज्य के लिए 449.30 करोड़, परिवहन विभाग के लिए 2,307.44 करोड़, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण के लिए 142.05 करोड़, खेल क्षेत्र के लिए 394.09 करोड़, पर्यावरण एवं जलवायु के लिए 12.64 करोड़, नगर ग्राम आयोजना के लिए 1,561.80 करोड़, पर्यटन संस्कृति के लिए 59,93,00,000, शहरी विकास के लिए 33,246.11 करोड़, खाद्य एवं विज्ञान के लिए 111.02 करोड़, पुरातत्व एवं संग्रहालय के लिए 119.25 करोड़ आवंटित किए गए। कुल मिलाकर इस बजट में
बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर रहे सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। खास तौर पर मनोहर लाल का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर ज्यादा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जाहिर है बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद प्रदेश के मुखिया ये दावा कर रहे हैं कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है और तमाम वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन विपक्ष सरकार पर जमकर हमला कर रहा है। विपक्ष बजट के लिए क्या कह रहा है और उसको इस बजट में क्या चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं, नापसंद हैं, और क्या तर्क इस बजट के लिए विपक्ष दे रहा है, आइए इस पर भी नज़र डालेंगे और उसके बाद इसको सिलसिलेवार ढंग से एक परिचर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे बिग शो की इससे दूसरी बिग रिपोर्ट के बाद। हरियाणा के बजट को विपक्ष ने फेल करा दिया है। बजट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि निराशाहीन और दिशाहीन बजट है। कोई नई बात नहीं कही गई। जो वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देने का, उस पर भी कुछ नहीं कहा। ये बजट जो है निरस, निराशाजनक और दिशाहीन बजट है और कोई भी किसी वर्ग को भी जनहित का इन्होंने दिखा। केवल एक ही काम किया इन्होंने, प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया। कर्जा लो, घी पियो। भाई उन्होंने शुरू में कहा, एब्रीवेशन थी, सीएम है और एफएम का भी काम कर रहे हैं। सीएम की तो एब्रीवेशन उन्होंने खुद दे दी कि सीएम का मतलब कॉमन मैन, और एफएम की मैंने दी है। फाइनेंस मिनिस्टर जो कहते हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, फेल्ड मैन, फेल्ड मैंडेट। वहीं कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी ने भी बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इतना सारा कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता जा रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा। सरकार कर्जे पर कर्जा ले रही है, ऐसे में वित्तीय स्थिति कैसी है आप समझ सकते हैं। इतने लंबे चौड़े काम कह तो दिए, लेकिन कैसे कर पाएंगे? अभी तक पिछले काम ही पूरे नहीं हुए, ये बस जुमले छोड़ रहे हैं। हमारे जो स्टेट है, हरियाणा है, बहुत बुरी तरह से वित्तीय संकट के अंदर घिरा हुआ है। तो आप ये देखिए, ये पैसा आएगा कहाँ से, जो आप इतने बड़े बड़े ये जो बातें कर रहे हैं, ये असलियत के अंदर आखिरी में जाके सारे के सारे जुमले साबित होंगे। अब वो 11,000 रुपये का बजट आपने रखना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत अहम मुद्दा है ना, आपने उसका जिक्र ही नहीं करा है। क्योंकि कई मैंने देखा है, ये बुढ़ापा पेंशन से पूरे के पूरे घर चलते हैं, आप समझ रहे हो। आज का आज के दिन बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि ये बुढ़ापे पेंशन के ऊपर चौका चूल्हा चल रहा है। तो वो उन लोगों ने आपको वोट देके भेजा, वो कहाँ आपने बजट एलोकेशन करा, नहीं करा। वहीं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह कोगी ने कहा, कई काम अच्छे हैं, लेकिन कई कमियां और समस्याएं भी हैं जिन्हें उठाया नहीं गया है। ऐसे है भाई, सरकार का तो काम है अच्छा बताना, और कई काम अच्छे हैं, बाकी हम बहस करेंगे और जो कमियां होंगी उसके खिलाफ हम बोलेंगे। बहुत सारी गांव की ऐसी समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक तरफ जहां विपक्ष बजट को फेल बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को ऐतिहासिक और बेहतरीन बताया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो जाहिर है, जब भी कोई बजट आता है तो सत्तारूढ़ पक्ष उसको सबसे अच्छा बजट बताता है और कहता है कि इसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। वहीं पर विपक्ष इस पर टीका टिप्पणी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, और यही रिवायत लगातार दशकों से चली आ रही है। खैर, इस पर आज हम परिचर्चा नहीं करेंगे कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन तर्क के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आज पेश किया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा। पिछला जो बजट पेश किया गया था, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनका ध्यान नहीं रखा गया और इस बार उसमें रखा गया, और इस बार जो विपक्ष कह रहा है कि हवाई बजट है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और आपका तारुफ हमारे आज के बिग शो के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण अत्रे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से हैं बाल मुकुंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीप कमल सहारन, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह
INLD के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और गुरमीत जी इस पूरी परिचर्चा में मेरी मदद करने के लिए विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत विपक्ष से करते हैं, कांग्रेस के पास चलते हैं। इतना अच्छा बजट सत्तारूढ़ पार्टीज को बता रही है, 10,000 करोड़ का इजाफा हो गया है, टैब पर बजट पेश करके IT को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, शिक्षा पर 15% का लक्ष्य रखा गया है, जो किसी भी राज्य में हम देखें तो एक सपना रहता है, यहाँ पर उसके लिए प्रावधान किया गया है, तो बुरा क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब हम ये बजट का सिलसिला शुरू करते हैं, जैसे आप लोग ही बताते हैं 2.0 यानी कि दूसरा इनका टर्म है भारतीय जनता पार्टी का जी, और खुद मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया। और मैं शायद हमारी अपनी जानकारी के हिसाब से अगर हम चलें तो आप मानेंगे विपक्ष अपने सवाल दाग रहा है और सवाल पूछ भी रहा है जी। इस परिचर्चा में मैं भी आपका साथ लेना चाहूँगा। शिक्षा पे आपने 15% शिक्षा पर ही आ जाते हैं सीधे, 15% का आपने आलिया जिक्र किया कि 15% सरकार देने जा रही है। मैं उन 5 साल को भी जोड़ करके सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, साथी प्रवक्ता भी बैठे हैं, दो प्रवक्ता उनको मिले हुए हैं, गठबंधन की सरकार है, कि आपने पिछले 5 साल में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई प्रदेश में? शिक्षा का सत्र सुधारने के लिए आपने ढांचागत जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए वो क्या दिया आपने? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आप उस पर 15% या 20%, ठीक है एक अनुमान है, उसको आप कैसे भी जोड़ सकते हैं? मैं तो कहता हूँ अनुमान भी इनको ठीक नहीं लगाना आया, तो उस अनुमान को आप कैसे किस तरीके से आप देखते हैं? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा करेंगे, ढांचा आपके यूनिवर्सिटियाँ कितने आपने बनाई, कॉलेजेस आपने, छोटा सा सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ ताकि ये जो परिचर्चा है ये दिशाहीन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इस बजट के दिशाहीन होने के हुड्डा साहब आरोप लगा रहे हैं, हम ये जो परिचर्चा कर रहे हैं ये आज का जो बजट मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो विधानसभा पटल पर रखा उस पर कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो चर्चा का विषय नहीं है। आप जारी रखिए। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, देखिए कंटिन्यू मैं दे दूंगा आप मेरी बस नहीं। हाँ। दे कंटिन्यू प्रोसेस मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे कि एक पर्यावरण पे बात आई, पर्यावरण पे उन्होंने 12 करोड़ रखा जबकि हमारा आधा हरियाणा NCR में कंक्लूड है, आधा हरियाणा NCR में पड़ता है और NCR की आप हालात देख सकते हैं, 6 महीने साल में 6 महीने हालात ये रहती है कि लोगों का जीना दूभर रहता है, उसमें हम केवल 12 करोड़ रखते जी। शिक्षा से अगर हम बाहर निकलें, ठीक है शिक्षा पर आपने ये कह दिया, वो हमारा अभी भी वही सवाल बना है, ढांचा का जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, 1,000 स्कूल बंद हुए हैं ये तो रिपोर्ट बता रही है, तो शिक्षा पर खर्च कहाँ करेंगे, ये जवाब ये इनके प्रवक्ता दे। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, गौ सेवा पर इन्होंने 50 करोड़ रखा है, तो एलोकेशन कम से कम ये एक अनुमान था, एलोकेशन थी, एलोकेशन ही ठीक, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा कि ज्यादा रख दिया जी, बहुत कम कम है, बहुत कम है। जिस तरीके से कांग्रेस भी अब चाहती है कि गौ सेवा हो, पहले भारतीय जनता पार्टी का एक आर्ट होता था। कांग्रेस तो शुरू से, कांग्रेस ने तो ज्यादातर समय शासन किया देश में, व्यवस्था आगे बढ़ाया है, भाजपा ही ज्यादा कहती है कि गौ हमारी माता है, यही तो दिक्कत है। तो अब आप भी इन लोगों से ये नहीं, नहीं वो तो हमारे लिए, ये तो अपनी हर चीज की रजिस्ट्री अपने नाम करवा के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है, गौ हमारी माता है, ये तो हमारी आज थोड़ी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, हमारी जीने की पद्धति है, गौ गीता गाय ये चीजें तो हमारी पद्धति है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा लेते हैं, हम लोगों को ये क्लोन बता देते हैं। वापस आपके पास आऊंगा और उम्मीद है कि विपक्ष के तौर पर आपको सबसे पहला मौका दिया और आपने अपनी बात की, और दूसरे साथी भी हम विपक्ष के ले रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ के दो हैं, INLD के प्रवक्ता के तौर पर ओंकार सिंह हमारे साथ हैं। धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी, आज जब मैंने स्पीच सुनी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपना पहला भाषण वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया, तो उन्होंने कॉमन मैन कह के पुकारा, मेरे को अच्छा लगा कि शायद आज इस बार ये बजट कुछ अजीब अलग सा आएगा जिसमें कॉमन मैन की अच्छी बातें होंगी। अच्छा। इन्होंने 4 पॉइंट दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन चारों में से किस चीज में आप स्वावलंबी हुए हो? शिक्षा के ऊपर ये कहते हैं हमने 14.1% इन्होंने शिक्षा के ऊपर रखा, और जब शिक्षा की बात आती है तो यहाँ के हरियाणा के स्कूल देख लो, कंपेयर टू हमारे पास रिजल्ट दिल्ली का सामने है, दिल्ली के स्कूल में बजट जो है ना ये देखिए, दिल्ली में बजट का 26% शिक्षा पे लिखा, आप मेरी बात सुनिए, 26% शिक्षा पे रखा, वहां शुरू जब बच्चा पैदा होता है और जितनी शिक्षा करता है सारी फ्री है, यहाँ हरियाणा में क्या फ्री है? और जब फ्री की बात होती है तो इनके मंत्री आके, गृह मंत्री आके कहते हैं कि मुफ्तखोरी, जब इसको मुफ्तखोरी कहते हैं तो ऐसी मुफ्तखोरी हम सीना तान के कहते हैं जिससे गरीब व्यक्ति का भला हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य
ये अधिकार है। मतलब आपकी बातचीत से मैं ये मान के चलूं ओंकार सिंह की आप जो अब इनेलो की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ उसका झुकाव हो। इनेलो की विचारधारा शुरू से एक आम व्यक्ति की विचारधारा, आम व्यक्ति के बेनिफिट की विचारधारा, और कोई भी पार्टी जो आम व्यक्ति को बेनिफिट, जो आप बातचीत कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि अनुसरण केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपको ज्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि आपका कंपैरिजन दिल्ली के साथ शुरू से ही इनेलो जो है वो आम आदमी की विचारधारा से काम कर रही है। शुरू से सबसे पहले पेंशन किसने शुरू करी? इनेलो ने शुरू करी, और इसीलिए शुरू करी क्योंकि आम आदमी का भला ही इनेलो चाहती है। दूसरी पार्टी तो सिर्फ बेकावी है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल में जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर इन्होंने छह छह बात कर दी है। स्कूल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बच्चों को एक दिन हफ्ते में लड्डू चाहेगा, लड्डू मिलेगा, और तीन दिन जो दूध दिया जाएगा मध्यान्ह में, जो दिन में भोजन देते हैं वो छह दिन दिया जाएगा। हमारे हरियाणा के बच्चे इतने काबिल हैं, उनको लड्डू की जरूरत नहीं है, उनको दूध की जरूरत नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, उनको रोजगार परक शिक्षा चाहिए ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, उनको ऐसी ऐसी चीजें नहीं चाहिए, लड्डू दिखाने की जरूरत नहीं। चलिए आपका जो सवाल है हम पूछ लेते हैं जेजेपी से। दीप कमल ये कह रहे हैं जी लड्डू और जो दूध वगैरह वो हमें नहीं चाहिए, और ये जो शिक्षा पे जो बजट रखा है इसकी तुलना केजरीवाल से कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मॉडल वहाँ पर उन्होंने पेश किया है। देखिए, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा ओंकार सिंह जी से कि उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, क्या कोई ऐसी बात कही गई थी कि हरियाणा में शिक्षा का बजट 15% या दिल्ली की तरह 26% बनाएंगे? अगर इनकी पार्टी की ऐसी कोई नीति है तो वो बताएं कि इन्होंने कभी वादा किया हो, कभी इनके किसी नेता की जुबान तक भी वो बात आई हो। और मुकाबला कर रहे हैं या फिर तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, जो कि वहाँ दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीतते हैं, और इनकी पार्टी की सीटें आती है 90 में से 1-2% वोट, वहाँ पर वोट आते हैं 55%। आप भी भटके मत, बजट पे रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए तो कुछ तो लिहाज रखिए कि कहाँ की बात कहाँ हो रही है। जहाँ तक सीट का सवाल आप कर रहे हो, बीजेपी भी किसी जमाने में 2 सीट आई थी, कोई तो मेल खाती हो बात की बात है, इस तरह का तो मेल खाता हो। नहीं नहीं, वो तो फिर बीजेपी की भी वहाँ पे जो सीटें आई है ना, राजनीतिक आधार में मेल खाता हो, वो बीजेपी की भी वहाँ पे जो सीट्स आई है ना सर, वो 3 ही आई है। चलिए इस मसले पर नहीं पढ़ते, क्योंकि विषय दिल्ली का चुनाव या दिल्ली का बजट नहीं है, हरियाणा का बजट है। आप क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और जाहिर है कि 10 जो बड़े विभाग हैं वो आपकी देखरेख में चल रहे हैं जेजेपी की, तो इस बजट को आप किस तरीके से हितेशी बताते हैं कि ये हितेशी बजट है? देखिए मुकेश जी, इस बजट को मैंने पूरा स्टडी किया है, और आप जिस महकमे के बारे में जानना चाहेंगे मैं आपको उस महकमे के बारे में बताऊंगा कि कितनी नई चीजें हो रही हैं, और पूरे दिन से हमने चर्चा भी की है, सुनी भी है टीवी पर। मैं कुछ एक बिंदु अभी नोट कर रहा था, ये ऐसे बिंदु हैं जो एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ लेकर जाते हैं, एक सर्व कल्याणकारी राज्य की तरफ लेकर जाते हैं, और जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते, जिनको आपको चर्चा भी नहीं मिलेगी अखबारों में भी। डेवलप्ड कहेंगे या डेवलपिंग कहेंगे? डेवलप जो आगे की लोगों के लिए अच्छा हो जाए। मैं एक चीज, 2-3 चीजें बताऊंगा जितना मुझे अवसर देंगे। शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क कोचिंग, और जब हायर एजुकेशन करेंगे तो फेलोशिप, और साथ में उनके लिए स्किल डेवलपमेंट फ्री, ये शहीदों के बच्चों के लिए इस बजट में किया गया है। एम्प्लॉय जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो कई बार सिर्फ इस बात के लिए नौकरी करते रहते हैं क्योंकि उनको जॉब सेफ्टी चाहिए होती है परिवार के लिए। सरकार एक स्कीम लेकर आई है कि 10 साल तक नौकरी करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता चाहता है और अपना रोजगार करना चाहता है, उसके लिए लोन की गारंटी सरकार देगी। ये कर्मचारियों के लिए हो गया। ओल्ड एज पे जो हमारे शेल्टर होते हैं, वृद्धाश्रम, हर जिले में खोलने का इस बजट में प्रावधान कर दिया गया। एससी लोगों के लिए जो शगुन विवाह शगुन योजना होती है, बजट में कह दिया गया कि शादी के दिन या शादी से पहले मिल जाएगा। अब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। जब भी उनको कानूनी सहायता चाहिए होगी किसी रूप में, उसके लिए जो सरकार से सहायता मिलती है वो दोगुनी हो गई है। बीसी जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको कोचिंग के, उनके बच्चों को 1,00,000 रुपए तक दिए जाएंगे। एक बच्चे को सिर्फ कोचिंग के लिए 1,00,000 रुपए तक दे देंगे, और जो जनरल क्लास के गरीब लोग होंगे उनके भी बच्चों को सरकार कोचिंग दिलवाएगी। 5,000 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लोकल बॉडीज को यह कह दिया कि अपने यहाँ जो भी शहर में नगर पालिका नगर निगम है कि आप अपना 25% जो बजट है वो उन बस्तियों पर खर्च करेंगे जो कि एससी बहुल है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं या फिर स्लम बस्तियां हैं। एक अच्छा लक्ष्य यह रखा गया कि शहरों में 5,00,000 जो बल्ब है हमारे पुराने उनको एलईडी में बदल देंगे। ये मैं कह रहा था, जो मैं कहना चाहता था कि डेवलप्ड सोसाइटी जो होती है उनकी तरफ, इनकी तरफ कभी चर्चा नहीं आएगी आपको, उसमें वापस आपके पास लौटूंगा। और एक किसानों से जुड़ा हुआ एक बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बातों तो बहुत सारी है। हरियाणा की सारी अनाज मंडियों में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होगी। जब किसान फसल लेकर आता है वहां पर या उसके आसपास खेत होते हैं और जो आगजनी होती, आग की जो घटनाएं होती हैं,
फायर ब्रिगेड हर अनाज मंडी में खड़ी हो जाएगी। व्यापारियों के लिए इस बजट में यह प्रावधान कर दिया बता दिया गया कि 5 लाख रुपए उनकी जान जाने पर और 25 लाख रुपए तक के उनके नुकसान की भरपाई किसी भी हालत में, और सारा प्रीमियम सरकार देगी, लौटेंगे उस बीमा का प्रीमियम सरकार देगी। आपके जो मेजर पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रवीण अत्रे हमारे पास हैं, और प्रवीण अत्रे जी जाहिर है कि आप कहेंगे और दीप कमल भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है, बहुत अच्छा बजट है, 10,000 करोड़ बढ़ा दिया, लेकिन जो विपक्ष है वो जो हमले बोल रहा है, जो आंकड़े पेश कर रहा है, 2013-14 की तुलना वो कर रहे हैं इससे, तो वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि 61,000 करोड़ था कर्जा हमारे ऊपर 2013-14 में, जो अब 3 गुना बढ़ गया है, 1,98,700 करोड़ हो गया है, और 80,000 जो बच्चा है जब वो पैदा होगा तो उसके ऊपर कर्ज होगा। देखिए मुकेश, अब आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया तो मैं जो तर्क दूंगा मैं वो कंपेयर करके ही दूंगा। देखिए जहां तक विपक्ष की आलोचना का सवाल है, मुझे कई बार तो हैरानी भी होती है और कई बार सोचता हूं कि विपक्ष जो है क्या उसके पास केवल आलोचना, आधार जिसका कुछ भी नहीं है, तर्क जिसका कुछ भी नहीं है। हुड्डा साहब की बात से शुरू कर लेते हैं और मैं एक करके सबका जवाब दूंगा, बालमुकुंद जी का भी जवाब दूंगा। देखिए हुड्डा साहब ये कहते हैं, पहले तो हुड्डा साहब एक बहुत सफेद झूठ बोलते हैं। 2014 अक्टूबर में चुनाव हुए थे अगर आपको याद हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की अक्टूबर 2014 के बाद बनती है। हमें विरासत में हुड्डा साहब 81,806 करोड़ रुपए का कर्जा देके गए थे जो उन्होंने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट किया था। 81,806 करोड़ तो ये डिफरेंस आ गया अपना, तकरीबन 20,000 और जुड़ेगा। 35,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों का कर्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छा। वो हुड्डा साहब ने चतुराई ये की, जब बजट पेश किया 13-14 के अंदर, उसके अंदर वो बिजली कंपनियों का कर्ज जो है ना उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसको राइट ऑफ करके रखा। अब आप 82,000 के लगभग वो और जो ये बिजली कंपनियों का 35,000 करोड़ जोड़ लीजिए, 1,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें विरासत में मिला था। हुड्डा साहब ने जो अपना आखिरी बजट पेश किया था वो मात्र 38,000 करोड़ रुपए का था, आज मुख्यमंत्री जी ने 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आप अंतर देखिए, पहले तो आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से, 14वां वित्त आयोग जो है उसने बाकायदा निर्धारित किया हुआ है कर्ज लेने की सीमा, जो जीडीपी का 25% से ज्यादा ना हो तो बेहतर माना जाता है, ये सीमा निर्धारित की हुई है 14वें वित्त आयोग ने। हुड्डा साहब जो विरासत में कर्ज छोड़ के गए थे, जिस तरह से इस प्रदेश का आर्थिक दोहन किया था, हमने तो बाकायदा उन गड्ढों को भरा है। आज स्थिति जो है, आज अगर 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश होता है जिसके अंदर से 15% केवल कृषि शिक्षा पे खर्च करने का हम प्रावधान करते हैं, उसका वजह यह है कि हमने हुड्डा साहब के उन गड्ढों को भरा, क्योंकि वो जो 35,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का था, 25,000 करोड़ रुपया सरकार ने खुद ऑन किया बिजली को लेकर, और जो परिवहन को लेकर भी टिप्पणी आ रही है कि इन दोनों के जो बजट है आपने घटा दिए हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन अब बात आ जाती है, जैसे प्रवक्ता साहब कहते हैं कि साहब आपने शिक्षा में ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मुकेश जी, 1966 में हरियाणा बना, 1966 से लेके 2014 तक हरियाणा प्रदेश में 105 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जिसमें से 31 महिला कॉलेजेस थे। हमने 2014 के बाद से आज तक 52 नए कॉलेजेस खोले हैं, मतलब आप देखिए 39 साल के लगभग टेन्योर के अंदर 105 कॉलेज, और ये लगभग 6 साल के टेन्योर के अंदर 52 कॉलेजेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आरोप ये भी लगता है, अभी जो चर्चा चल रही थी पिछले दिनों में, आज की बात मुझे क्षमा देना, जो स्कूल है उनको बंद करने की बात, मैं वो सारी बातों का जवाब दूंगा। आप कहते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई, देखिए विश्वकर्मा टेक्निकल यूनिवर्सिटी पलवल सभी जानते हैं हमने बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल करनाल के अंदर हमने बनाई, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप मतलब किस तरह की आलोचना कर रहे हो। किरण चौधरी जी कहती है कि साहब आपने प्रावधान तो कर दिया, पैसा कहां से लाओगे। किरण चौधरी जी की समस्या भी जायज है, क्योंकि 38,000 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से सोच रही है। अरे वो 1,42,000 करोड़ रुपए के बजट को देख ही नहीं रही है, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि प्रदेश का जीडीपी बढ़ के इस वक्त लगभग 9,00,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है जीडीपी प्रदेश की, वो उनको समझ भी नहीं आ रहा। और जो सबसे बड़ी बात, रोडवेज की बात करते हैं, देखिए कहते हैं जी रोडवेज पे आपने पैसा कटा दिया, मुकेश जी इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। पिछले बजट के अंदर रोडवेज के लिए 2,605 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस बजट के अंदर 2,300, मतलब मोटा मोटा 0.25% की जो कमी की बार बार चिल्ला रहे हैं कि 0.25% की कमी कर दीजिए, आपने बोल रहे हैं कि ये वो सरकार है जिसने प्रदेश में गुरमीत जी के पास जाएंगे एक बार, उस किलोमीटर स्कीम को एक्सेप्ट करवाया। मेजर खर्चा कहां होता है, बस खरीद में। अगर हम 700 बसों की बात कर ले, 700 बसों की कीमत लगाइए आप 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, अगर आप 2,03,005 में वो 1,000 जोड़ दीजिए कितना बन गया, 3,300 करोड़।
करोड़ रुपया। चलिए निष्पक्ष, बिल्कुल गुरमीत जी, अब आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को भी हमने सुना और दोनों जो विपक्ष के प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज भी हमने बिग शो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई और इस शो के जरिए आसान शब्दों में हम इस बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं दोनों, बीजेपी जेजेपी, अपनी पीठ थपथपा रही हैं। टैब लेकर आज मुख्यमंत्री आए पहली बार और सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया, 1,42,343 करोड़ का, 10,000 ज़्यादा पिछली बार की तुलना से। और जब विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री कह रहे थे सीएम हूँ मैं, कॉमन मैन, तो उन्होंने कहा सीएम एफएम, फेल्ड मिनिस्टर। तो इस तरीके की चर्चा परिचर्चाएं वहाँ पे रही और सारे जो पॉइंटर्स हैं वो आप भी दिन भर से फॉलो कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात, पहली तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि राज्यों का जो बजट होता है उसमें बहुत सीमित आपके पास दायरा होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो उसका एक व्यापक असर होता है, उसमें उस तरह के डायरेक्ट टैक्सेज और तमाम चीज़ें होती हैं जो सीधी इफेक्ट करती हैं। उस तरह का राज्यों के पास ना संसाधन होते हैं, ना ही राज्यों के पास उस तरह का जो हमारी जो सिस्टम है उसमें वो बहुत ज़्यादा आप बजट के अंदर को बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप कोई भी बजट भाषण देख लीजिए और उसके बाद रिएक्शन देख लीजिए। कभी भी मैंने आज तक कम से कम 25 वर्षों में नहीं सुना कि दिशाहीन के अलावा कोई और वर्ड, मतलब दिशाहीन तो अनिवार्य रूप से होगा ही, साथ में जो है वो हो जाएगा, तो वही परिपाटी पे रिएक्शन आ रहे हैं, है ना। अब हम जहां तक बजट की बात है, जहां तक आप कह रहे हैं जी बड़ा बजट है, देखिए बड़ा बजट तो नेचुरली पिछले बार से आमतौर पर कोई बहुत कोई एक आध साल में कोई अगर कोई संसाधनों में कटौती हो गई हो या जो आवंटन केंद्र से होते हैं, आपको मालूम ही है केंद्र से भी आवंटन होते हैं विभिन्न जो टैक्सेस के तहत, तब कोई कम हो गया हो, लेकिन अदरवाइज तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बढ़ोतरी तो मान लो, अदरवाइज भी आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें जो महंगाई की भत्ते की किस्त होती है वो भी दो बार, तो वो 6% से लेके 10% तो आप ऐसे ही मान के चलो। अब सवाल रहा कि इन्होंने नई योजनाओं में कुछ कोशिश की क्या, नेचुरली इन्होंने अपनी तरफ से जैसे अभी दीप कमल ने बताया कि कई अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जैसे मान लो अर्बन लोकल बॉडीज को ये कहा कि आप स्लम एरियाज में खर्चा करो, या कोचिंग की बात की जो एजुकेशन में ये कह रहे हैं कि उन्होंने बजट बढ़ाया है, इसी तरह से और चीज़ें। लेकिन अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, इन्होंने अभी जिक्र भी किया उसका 12 करोड़ वाला, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि पर्यावरण के लिए बजट तो 12 करोड़ रखा लेकिन कहा कि हम फॉरेस्ट कवर को 6-10% करेंगे। अगर आप लगभग दुगना फॉरेस्ट कवर करेंगे तो उसी बजट में कैसे हो पाएगा, ये एक सोचने का विषय हो सकता है। बहुत छोटा सा पर्यावरण एक हेड होता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ बजट 12 करोड़ ही, अगर हम उसको 6-10% फिर किस, अगर आपने 6-10% फॉरेस्ट कवर आप बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं तो नेचुरली आप बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करना चाहेंगे तो उसमें खर्चा तो होगा ना, तो उसमें इंक्रीज सेम है, मतलब कोई वो बजट पिछले महीने में फर्क नहीं। इसी तरह से अगर आप पावर में देखोगे तो पावर का जो बजट है वो बहुत सबसे ज्यादा अगर ड्रेस्टिकली कम हुआ है तो पावर सेक्टर में हुआ है, और उसमें भी कैपिटल का जो एरिया है उसमें कम हुआ है। कैपिटल का मतलब क्या होता है मुकेश, की जो हम नए पावर हाउस बनाते हैं या सब स्टेशन बनाते हैं या हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से खड़ा करते हैं, अब उसका जो जवाब हो सकता है आने वाले समय में बिजली मंत्री दें या अगर प्रवीण जी दे सकते हैं। 34% कम हुआ ऐसा विपक्ष, बड़ा बड़ा डाउन है, मतलब जैसे बाकी जगह बढ़ा है, एजुकेशन में अच्छी बात है। और दूसरा एक क्लास बात, अगर ये लोग दिल्ली की तर्ज पे, मेरा ये मानना है कि अगर मान लो देश में कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से सीख के भी अगर कोई योजनाएं बनाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आफ्टर ऑल हम सब एक देश के हिस्सा हैं। अगर हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाने की कोई मुहिम चलती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं। अगर कमजोर बच्चों को कोचिंग के लिए ये कह रहे हैं कि सहायता दे रहे हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, देखिए बजट आता है 2-3 दिन चर्चा होती है, उसके बाद फिर वो चीजें डर्रे पे चलती हैं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और जो कई प्रावधान है वो धरे के धरे रह जाते हैं। प्रवीण अत्रे के पास ये जो धरे के धरे रह जाते हैं, इन प्रावधानों में से एक प्रावधान SYL का है, इस बार भी 100 करोड़ रुपए जो है वो रखा गया है और जाहिर है कि पिछले 40 सालों से रख रहे होंगे जो भी वित्त मंत्री रहे होंगे। तो ये जो इस तरीके के प्रावधान होते हैं इसमें जाहिर है कि पैसा नहीं लगता, और विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो पिछले प्रावधान थे उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ये भी देखिए विपक्ष का आरोप बड़ा अजीब गरीब आरोप है। SYL पे पहले जो आप चर्चा कर रहे थे, मैं SYL को बीच में लूंगा, हम यहाँ पे आपके चर्चा भी कर रहे थे, आपको याद होगा उस वक्त भी मैंने एक चीज बताई थी कि टोटल 1590 के करीब योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर है, केंद्र और प्रदेश की मिला के, और उसमें बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो आज से 50 साल पहले शुरू हुई हैं, आज वो रेलिवेंट ही नहीं है, आज उनका कोई यूज ही नहीं है, तो उसमें पैसा कैसे खर्च होगा। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा बजट पेश करते हुए इस बात की चर्चा की कि उसमें से करीबन 32 योजनाएं जो है, उसमें 42 योजनाओं में 140 योजनाओं को समायोजित किया गया,
18 के करीब ऐसी योजनाओं को बंद किया गया, उनकी जगह रेलिवेंट योजना शुरू की जाए, क्योंकि वहां पे बजट का प्रावधान तो देखिए, जैसे आपने एसवाईएल का जिक्र किया, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है, लेकिन ये शुरू से नहीं हो रहा। पहले थोड़ा क्लियर कर दूं मैं इसको, ये शुरू से नहीं हो रहा है। लेकिन एसवाईएल का मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूट करवाना है अपने आदेश को, उसके बाद ही वो पैसा खर्च हो पाएगा, उससे पहले तो खर्च हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो नहीं खर्च होता, जो रेलिवेंट स्कीम्स नहीं थी, मतलब नहीं रही आज के टाइम में, उनमें पैसा बच जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा ऐसी स्कीमों को बंद करने की बात की या समायोजित करने की बात की जिनकी रेलिवेंसी आज नहीं है। लेकिन मैं इसके अलावा एक बात और कहूंगा, जिस तरह से रोजगार का जिक्र किया दीप कमल जी ने भी उसके ऊपर बाकायदा बताया, आज बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा स्पष्ट किया कि 2 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां और 1 साल के अंदर 80,000 जो रोजगार जो नौकरी है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे हरियाणा सक्षम युवा योजना के तहत, टेक्निकल एजुकेशन के तहत, ट्रेनिंग के तहत, इस तरह से नौकरियों का प्रावधान, मतलब लगभग 1,30,000 नौकरियां प्रति वर्ष, 5 साल में 6,50,000 नौकरियां बनती है। और ये चीज हम पहले करके दिखा चुके हैं, अगर आपने देखा होगा पिछले टेन्योर के अंदर भी 70,000 नौकरियां जो है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत और अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों को जोड़े लगभग 80,000 नौकरियां तो पिछले 5 साल में दी गई है। उसके अलावा 45 लाख रोजगार रहेगा ये जो 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 रोजगार रहेग
लिया पहले, और ये दूसरा दौर जो चल रहा है इसमें सत्तारूढ़ पार्टी को ले रहे हैं ताकि ये जो लोग कहें उस पर फिर आप सवाल उठा सकें। पहले आपने सवाल उठे, आपका जवाब इनको मिला। दीप कमल के पास हम जा रहे हैं। दीप कमल, दावा यह है कि आने वाले जो दो साल हैं उसमें 1,00,000 नौकरियां दी जाएंगी। दो साल का मतलब 365 दिन हम मान लें, इस साल में 366 हैं, तो 731 दिन में 1,00,000 नौकरियां दी जाएंगी। ये जो नौकरियां होंगी ये किस तरीके की होंगी, पक्की नौकरियां होंगी या फिर खाली रोज़गार देना किसी तरीके से, 100 दिन का रोज़गार दे दिया या किसी को कच्चे में भर्ती कर लिया या किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लिया, उस तरीके का प्रावधान है? क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी में हैं तो जाहिर है कि आपको इसका ज्ञान होगा। तो जनता जो इस वक्त सोच रही है कि अगले दो साल में 1,00,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा हरियाणा का, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए इसको। देखिए मुकेश जी, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर जो सरकार की पक्की नौकरियाँ हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो भी हैं, HPSC की भी हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं वो नौकरियाँ भी हैं, और निजी क्षेत्र की नौकरियाँ भी इसके अंदर शामिल हैं। अगले एक साल में 25,000 को तो सक्षम योजना के जरिए निजी क्षेत्र में नौकरी दिलवाने का इसके अंदर लक्ष्य है। और सिर्फ ये नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं कि आप ठीक है एक आंकड़ा हम रखें और उससे भी देखिए बेरोजगारी तो उससे भी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ मैं इसके अंदर पढ़ रहा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण और मुझे पर्सनली उसने बहुत अट्रैक्ट किया कि हरियाणा के कॉलेजों का फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो होगा उसका फाइनल ईयर में ही उसका पासपोर्ट बन जाएगा और वो फ्री बनेगा, उसमें कोई फीस नहीं लगेगी, उसकी जो भी फीस लगेगी हर राज्य सरकार देगी, और पासपोर्ट बन के ही वो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री पास करेगा जो भी कॉलेज में होगा वो। अब इसका असर आप क्या देखते हैं, जब हाथ में पासपोर्ट आता है तो दिमाग में क्या आता है कि ये काम किस आता है, ये विदेश जाने के काम आता है, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाइए या रोजगार के लिए जाइए। अच्छा। वो एक सोच डेवलप होती है, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन की और उसके बाद जब मास्टर डिग्री की, तब तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और मेरे लिए पासपोर्ट बनवाना ही एक बड़ी बात हो गई थी उस वक्त के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि पासपोर्ट के लिए ये इतने सारे दस्तावेज लगेंगे पुलिस। लेकिन उससे ऐसा नहीं लगता कि जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं कि हम अपने जो युवा जिनको हम बोल रहे हैं कि शिक्षा में बहुत हम बेहतर कर रहे हैं और हमारा जो हरियाणा है, हमारा जो देश है विकास करेगा, उसको हम बाहर भेज दें? नहीं, मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर इसको हम नेगेटिवली लेंगे तो फिर तो हमारी सारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। फिर तो अगर यहाँ का लड़का दिल्ली जाकर नौकरी करता है तो वो भी ब्रेन ड्रेन है। कोशिश हमारी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे या जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, उनको आपकी सरकार अट्रैक्ट करके भाई उनको छोड़ो आप यहाँ पे आओ हरियाणा में। उसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये पहली सरकार है जिसने फॉरेन कोऑपरेशन का डिपार्टमेंट बनाया, विभाग बनाया है स्पेशल, जिसका काम ही ये है कि विदेशों में जो हरियाणा के लोग बसे हुए हैं उनको यहाँ पर वापस निवेश के लिए आमंत्रित करना, उनकी फैसिलिटेट करना, उनकी कोई समस्या है वहाँ रहते हुए उसमें उनका योगदान
उनके हेल्प करना और बाकी जो जो काम विदेश से जुड़े हुए राज्य सरकार के हो सकते हैं, बहुत कम राज्य सरकारें होंगी जिनके पास अपना विभाग है विदेश के कामों को से संबंधित, तो ये एक महत्वपूर्ण बात एक चीज बता रहा हूँ। और एक दूसरा एक बात मैं अभी थोड़ी देर पहले नोट कर रहा था जो कि गाँव से जुड़ी हुई है। 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में एक नई अथॉरिटी बनी थी, जैसे शहरों के लिए हुड्डा होती है, अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने HRDA बनाया था, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो कहते थे कि एक हुड्डा है, एक HRDA है और एक मैं हुड्डा हूँ, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरीके से वो उसका प्रचार करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है, 2007 से लेकर 14 तक उनकी सरकार रही, HRDA में उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया। पहली बार इस बार के बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है कि उसके तहत जो जो लक्ष्य रखे गए थे, HRDA डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का काम करना शुरू करेगा। ये इस तरीके की ऐतिहासिक चीजें हो रही हैं, ये फर्क है जो आप वापस आपके पास लौटेंगे। बाल मुकुंद, आवास के लिए अलग डिपार्टमेंट बन गया मुकेश जी, हरियाणा में सभी के लिए आवास इस नाम का एक अलग डिपार्टमेंट होगा जिसका पूरा पर्पज ये होगा कि हरियाणा में नए घर कैसे किस किस तरीके से बनाकर दिए जाए। जाहिर है कि जब कोई भी सरकार होती है तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जब वो जाती है तो दूसरी सरकार उसको पूरा करती है, और किरण चौधरी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, गीता भुक्कल हो, अक्सर ये कहते रहते हैं कि ये तो जो फीता काट रहे हैं ये काम हमने शुरू किया था, उस पर सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि आपने पत्थर ही वहाँ पर गाड़ा था लेकिन काम कोई उसमें किया नहीं, काम हमने किया, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं हरियाणा में। मुझे जी देखिए, हमें मैं यही ब्रीफ करना चाह रहा था, जिस तरीके से हमने हमारे शासनकाल में, हालांकि आज बजट पर चर्चा थी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी राजीव गांधी साइंस सिटी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, इस तरीके से 19 जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 19 यूनिवर्सिटियाँ सरकारी और प्राइवेट हमने अपने समय में स्थापित की और उनका संचालन हमारे समय में शुरू हुआ। इसी तरह अब ये कैपिटल पावर कैपिटल हुआ थी, यात्रा जी बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनिए, आप दो मिनट रुको, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। हमने पावर में जैसे इन्होंने 34% इन्होंने कम कर दिया जिस तरह कैपिटलिस्ट, हमने पावर में खेदड़ पावर प्लांट लगाया, खानपुर कला में पावर प्लांट लगाया, जांडली में पावर प्लांट लगाया और चौधरी छोटूराम के नाम से थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर लगाया। ये हमने पावर प्रोजेक्ट उस समय स्थापित किए 650 मेगावाट के, 1250 मेगावाट, इस सरकार ने एक नहीं लगा। चलो सीधे रोजगार पे आ जाते हैं, रोजगार पे आ जाते हैं, इनका जवाब भी दे दे, रोजगार पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया रोजगार सृजन होता है उद्योगों से, उद्योगों के लिए हमारी सरकार ने 349 करोड़ का बजट रखा मात्र, जबकि 349 करोड़ में आज एक ठीक स्टैंडर्ड लेवल की एक भी फैक्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो सकती, अगर कोई चाहे तो। पहले मेरी बात सुनो, मैं उसी पे लेकर आता हूँ, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, मैं ही बता रहा हूँ आपको। आप कैसे कह रहे हो, बजट में पैसे को लोकेशन में बता रहा हूँ, अगर इस पैसे को देखे जाए कहाँ लगाओगे, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 12 करोड़ में आप क्या करोगे, कौन से आप पौधे लगाओगे, मैं वही बता रहा हूँ, आप मेरे को बताने दो, रोजगार पे आ जाते हैं। सुनिए, वन विभाग का जो बजट है, रोजगार पे अभी जो बजट प्रावधान है वो 416.02 करोड़ का है। मैं मुकेश जी वही आपको कहना चाहता था कि ये डायरेक्शन नहीं है, केवल अमाउंट बता दी गई हर चीज की, आप उस विषय पर आगे करना क्या चाहते हैं? नहीं तो अब बजट में वो नहीं, बजट में आप रोजगार पर मेरी बात होने, आपको पता है मैं क्या बोलूंगा, जो ये बजट पेश किया गया ना बाल मुकुंद जी, इसको पेश करने में भी मुख्यमंत्री ने, सुनो तो सही ना, 2 घंटे 35 मिनट लिए, अब आप इतनी डिटेल में यही बैठा था, तो यही बैठे थे ना आप, तो आप क्या जानते कि पूरे दिन वो फिर आपको पैरा बना बना के फिर तो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ होता। मैं वही आपको कहना चाहता हूँ, रोजगार की बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी कर लिया आज रोजगार के बारे में, JJP के जैसे प्रवक्ता ने बताया, मैं कहना चाहता हूँ ये JJP प्रवक्ता को, BJP प्रवक्ता को छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जब रोजगार की बात आती है कहते हैं कि पकौड़े बनाना भी एक रोजगार है, रोजगार की आज परिभाषा ले लीजिए, रोजगार पूरी बात होने दीजिए सर। उसके बाद हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम पासपोर्ट बना देंगे, पकौड़े वाली जो बात है काफी उछलती रहती है। मान लीजिए कि एक युवा है जी, ठीक है, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारी गली का, वो 2 लाख रुपए का लोन लेता है बैंक से और एक छोटा सा
कहीं पर दुकान लेकर वो चाय पकौड़े बनाने की एक दुकान लगा लेता है तो क्या वो रोजगार में नहीं आएगा? क्या आप सभी लोग जितने भी हैं उनकी नौकरी सरकार में ही लगेगी? ऐसा समय है? है समय। मैं आपको तो फिर आपके मैं कहता हूं, मैं प्रवीण अत्रे जी के साथ यहां दावे के साथ कहता हूं, मैं आज मुकेश जी और उस पर मैं स्पेशल बहस रखूंगा। कब रखोगे? मेरी बात सुनिए, आप मैं मुकेश जी रखेंगे। मुकेश जी, जो हमारे विभाग हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, सब में पोस्टें कितनी खाली हैं और उसमें से आप केवल जो रिटायर लोग हो रहे हैं उनको भी भर नहीं पा रहे, नए पदों का सृजन नहीं कर पा रहे। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं मुझे बता रहा हूं पोस्टें कितनी है ये बताइए, पूरे पदों का सृजन नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूं ना जी, आप वो खाली है जिसमें अभी पुलिस भर्ती शुरू हो रही है, जैसे अब डॉक्टरों की भर्ती होने लगी हुई है, जिस तरह पिछले मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछली बार 80,000 के करीब मुकेश जी मैं लगातार जुम्मेवार प्रवक्ता के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, एक विभाग का ये नाम बता दे, मैं आज जिम्मेदारी से बता रहे हैं बालमुकुंद जी, एक विभाग ये लाके दे दे जिसमें सारी पोस्टें फुलफिल इन्होंने की हुई है, एक विभाग का ये नाम बता दे, उसकी आरटीआई के साथ मैं पूरा करके आपको 15,000 का उसने क्या दिया, एक भी विभाग बताइए, आपने अपने 10 साल के पीरियड में कितनी सरकारी नौकरियां दी? चलिए मैंने ये सारी रात निकल जाएगी अगर 10 साल का काम बताने लगे, हमने तो वो काम किए हैं और आपने 10 साल का कार्यकाल में 15,000 नौकरी नहीं दे पाते। देखिए अगर परसेंटेज के हिसाब से चलोगे, हमने तो ये कहा हमारे कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में, लोगों ने तो आम जनता पे चर्चा लगी है, वो हमने एक्सपोर्ट किया, हमने इस तरीके से काम किया जिससे लोगों को, देखिए 2-2.5 लाख पर एकड़ का जमीन का रेट था हरियाणा में, जब कांग्रेस की सरकार आई, जैसे उत्पादन शुरू हुई हर चीज में 25-30 लाख रुपए का रेट हम छोड़ के गए, जैसे हमारी सरकार गई फिर लोगों ने ये कर दी है तो मंदी है, वो आज का विषय नहीं है, किसान भी है तो मंदी है, किसान को लूट लिया, मैं खुशहाल, किसान खुशहाल जी आपके पास आ रहे हैं, किसान खुशहाल, अभी आप भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हालांकि अब जो आपके विधायकों की संख्या है बार बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उस पे ताना मार देते हैं, भाई अब तो एक ही विधायक बचा है, ये भी गलत हमारा एक ही शेर है, तो आप विधानसभा में आपने नहीं देखा होगा कि वही बोलता और कोई बोलता भी नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होता ना, विधायक बोलने की बचा, ऐसा जब जनता के मुद्दों पे बोलेंगे नहीं, अगर आप जैसे ही कहोगे कि बोलने से कुछ नहीं होता तो फिर जनता की कहां रिप्रेजेंटेशन होगी, बोलने से ही तो होगा सब कुछ, जनता ने नापसंद किया ना जी आपको, इसलिए कहीं नापसंद नहीं किया, वो सिचुएशन जो थी वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अच्छा चलिए, अब एक पॉइंट आप मुझे बता दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा, और अगर एक पॉइंट आप ऐसा भी बता दें जो आपको रास आया हो। देखिए मेरे को एक बात समझ आ रही है बहस से कि जो काम तो बीजेपी और जेजेपी कर रहे हैं वो तो सुपर है, दूसरा कोई उनको विरोध करने लगता तो उसको बोलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे रोजगार के मामले में रोजगार कैसे देंगे, इन्होंने बोला था एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, 416 करोड़ रुपए इन्होंने रोजगार के लिए रखे और उद्योग के लिए सिर्फ 349 करोड़, मतलब ये खुद तो कुछ भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, बोलने दीजिए, आप ये बताइए तो सही कि आप उद्योगीकरण की तरफ नहीं जाना चाहते, कहां जाना चाहते हो, रोजगार कैसे दोगे? एक मिनट, आप कह रहे हो 1,30,000 रोजगार एक साल, मेरे को बोल तो लेना दीजिए, मेरी तो बात सुन, बात पूरी हो गई, 1,30,000 रोजगार आप कह रहे हो एक साल में देंगे, कैसे दोगे, कौन सा मंत्र है? मंत्र तो आप लोगों को बहुत आती है, आप विधानसभा में भी मंत्र बोलते हो, लोकसभा में ऐसा कोई मंत्र तो बता दो जिसमें रोजगार पैदा हो जाएगा। जहां तक व्यापारी का माल है, व्यापारी का काम है, व्यापारी तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद आज तक नहीं उठ पाया, आपने व्यापार कौन सा ऐसे उसमें बजट में प्रावधान कर दिया कि जो व्यापारी डूब रखे हैं, जिनके एनपी हो रखे हैं, उनको कैसे उठाओगे, उनके लोन कैसे वापसी होगी, व्यापारी चल नहीं पा रहा, और यही हालात आज हरियाणा सरकार की है, जैसे एक व्यापारी इस वक्त डूब रखा है और वो ब्याज और ऋण का भुगतान करने के लिए दोबारा लोन ले रहा है, यही सरकार कर रही है। 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,97,800 करोड़ रुपए आज जो प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बता दो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो सिर्फ और सिर्फ वापस आपके पास लौटेंगे, 29% अपने टोटल का वो आप कर रहे हो, वापस आप सबके पास आएंगे एक बार, बताइए बताइए इंडस्ट्री का जो बजट, ओंकार जी इंडस्ट्री का जो बजट है उससे इंडस्ट्री नहीं लगनी है, अच्छा इंडस्ट्री लगाओगे नहीं और रोजगार दे दोगे, मतलब रोजगार के काम नहीं बनोगे, रोजगार दे दोगे, सुन लीजिए फिर गुरमीत जी के पास जाएंगे, मुझे विपक्षी दलों की सच में समझ में तरस आ रहा है, रोजगार विभाग का जो बजट है कैसे, आप भी विपक्ष में, आज आपकी भाषा
ऐसी महत्व की बातें नहीं की, हमने कभी इंडस्ट्री कभी नहीं लगाई। क्या सरकार ने इंडस्ट्री नहीं लगाई? लेकिन 350 करोड़ की कंपनियां लगाई, 350 करोड़ में आप यहां से लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। ये बताओ सरकार ने सीधे लगा से बोलने दी, बोलिए बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए सरकार ने, तो एक मिनट, अब एक मिनट, कांग्रेस में नवरत्न इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो बजट है वो इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल लगवाने के लिए है। लगाने के लिए उसको लगवाओ, और क्या होता है? आपको ही रोजगार होता है, आपको ही उद्योग। तो फिर मैं साफ कर देता हूँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट को साफ कर देते हैं, जो सत्ता पक्ष है, एक मिनट, एक वापस लौटेंगे, वापस लौटेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी जो है गुरमीत जी, वो कह रही है कि जो रोजगार के लिए बजट रखा है, सुपर मिल को इंडस्ट्री नहीं मानते आप, निष्पक्ष तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है गुरमीत जी कि ये जो रोजगार के लिए बजट रखा है, ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार देने के लिए है। और जो इस वक्त विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस और इनेलो, ये कह रहे हैं कि ये अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो फिर इस बजट का फायदा क्या हुआ? आप थोड़ा सा समझाइए हमें इसको आसान शब्दों में। देखिए, इसमें तो मैं ये मानता हूँ कि जो बात हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहने की कोशिश कर रहे थे उसमें दम है कि ये जो इंडस्ट्री विभाग की जो तनख्वाहें हैं ये उन पे जाएगा, जो वो फॉरेन टूर पे जाएंगे उन पे जाएगा, और प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेंगे जिससे इंडस्ट्री आकर्षित हो, 300 करोड़ में तो क्या इंडस्ट्री बच जाएगी। लेकिन ये बात देखिए, सीधी सी चीज़ है कि सरकार योजनाएं बना, अब मान लीजिए इन्होंने ये पासपोर्ट वाली बात अभी दीप कमल जी कह रहे थे, आप पासपोर्ट पकड़ा के उनको सपना दिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें आप काबिल बना, पासपोर्ट से पहले तो उन्हें काबिल बनाइए। आप काबिल बनाने के लिए मैंने अभी देखा इस पैरे में, इसी पैर पासपोर्ट वाले पैरे में ये लिखा था कि उनको ITI में जो महिला ITI है उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, उसके आगे ही पासपोर्ट एक्ट, नो डाउट अंग्रेजी आने से उनको बाहर जाने के लिए वो तो शायद जो कमता हो, पर हकीकत क्या है? लेकिन हकीकत हमारे पास ये है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं क्या आपके पास? अगर हमने एक बार पहले भी ये बात चली थी, शायद चौटाला साहब के टाइम पे ये पहली बार आया था कि जी अंग्रेजी पढ़ाएंगे, पहली क्लास में टीचर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं और जर्नलिज्म की जो डिग्री कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो टीवी में जब काम करने आता है, अखबार में काम करने आता है, वो एकदम अलग होता है। लेकिन वो जो डिग्री है वो उसको मोटिवेट करती है कि आपने भाई अगर पत्रकारिता में डिग्री की है तो आप पत्रकार बनेंगे, या मैनेजमेंट में की है तो आप मैनेजमेंट साइड में जाएंगे। आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल, होता है, ओरिएंटेशन बनती है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे दीप कमल जी कह रहे हैं कि उनको पासपोर्ट पकड़ाना उनके मन में एक प्रकार की एस्पिरेशन को पैदा करना है, बट आप इसी का मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूँ ना, एक नजरिया है देखने का, वो गलत नहीं कह रहे हैं। इसी का दूसरा नजरिया है कि अगर आप एस्पिरेशन पैदा कर रहे हैं जो आगे फुलफिल नहीं हो पा रही है, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सेंट्रल लेवल पे स्किल डेवलप, अभी ये लोग कह रहे थे हमने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, हमने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात पे बहुत जोर दिया गया। इन्होंने भी, मैं देख रहा हूँ बजट में इन्होंने कहा है, प्लेसमेंट सेल का भी मैं देख रहा हूँ रोजगार वाले हेड में इन्होंने कहा है। सवाल ये कि क्या अपेक्षित नतीजे मिल गए? क्या एक्चुअल में हमारे बच्चे इतने तैयार हो गए जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर, आप विदेश तो छोड़ो, वो अपने देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या तैयार हो पाए? ये बात कितनी बार उदाहरण दिया गया पहले, मुझे नहीं मालूम, बस लास्ट सेंटेंस, ये बात कई बार मुझे याद है जब हम लोग कवर करते थे, ये बात आती थी कि गुड़गांव या जो NCR का एरिया है वहां पर जो बच्चे हैं, और इसी वजह से शायद इन लोगों ने बीच बीच में ऐलान भी किए, बाहर से लोग आके नौकरियां करें, हरियाणा के बच्चे उस इंडस्ट्री के लिए केपेबल ही नहीं थे। ये बात कई बार उभर के सामने आई है कि बाहर से आते हैं लोग, तो हमें पहले तो बच्चों को काबिल बनाना है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती जी। चलिए आखिरी, मेरे पास 3 मिनट बचे और 30-30 सेकंड, हम ईमानदारी से आप चाहते हैं अपना अपना पक्ष इसमें रख दें। शुरुआत फिर से आपसे करता हूं जी, मैं 2 मिनट, पता क्या है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आपके पास नहीं, मैं लास्ट में अभी खनिकर कर देता हूं। देखिए, रोजगार के ऊपर बार-बार चर्चा हो रही है, गुरमीत जी भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए गुरमीत जी, एक तो व्यवस्था की बात होती है, जो आपने कहा कि साहब क्या इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर है, वो बजट का विषय नहीं, व्यवस्था का विषय है। और व्यवस्था के विषय पे अगर कोई भी एक्सपर्ट कोई बात करता है उसको हम ऑन करते हैं, हम उस पर काम करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जिस तरह से ITI है, स्पेशल कौशल विकास केंद्र, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
इसके लिए आज अगर आप बजट देखेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन प्रोग्राम जो है उसके ऊपर बाकायदा बात की गई है। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने 19-20 में चार नए आईटीआई खोले जो सरकारी थे। हम ये आरोप बिल्कुल नहीं झेलना चाहते हैं कि विपक्ष को बोलने का टाइम नहीं दिया। ये समय खराब कर रहे हैं। 30 सेकंड आपके पास है। मैं ये कह रहा हूँ जो बजट है वो एक ऐसी रूपरेखा है जो रूटीन का विषय इनके लिए है। वो इन्होंने केवल आंकड़े रखे हैं, किसी भी चीज पर गहराई से जाकर के ये एक शब्द ऐसा नहीं बोल सकते कि हम शिक्षा पर जाकर के ये रास्ता दिखा रहे हैं समाज को, स्वास्थ्य पर जाकर ये रास्ता दिखा रहे हैं समाज को, रोजगार पर जाकर ये रास्ता दिखा रहे हैं संस्था समाज को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दूसरा एक झूठ बोली प्रवीण नेत्र जी ने, चाहता हूं कि वो खेद व्यक्त करेंगे जो 61,000 करोड़ का कर्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था। वो एक मेरी बात सुन, वो चेक कर लीजिएगा फिगर, वो मुकेश राजपूत जी तय करेंगे। मुकेश जी 2013-14 में जब हमने बजट पेश किया जो आर्थिक सर्वे आया वो बजट वो हमारा राइट था। वो आपने उसमें ये बात दर्शाया नहीं जो उन्होंने कहा, आपने कहा हमने यहां पे पटल पे रखा, इन्होंने उसका विरोध जताया, अपने आंकड़े इन्होंने पेश किए। तो हम तो ना हुड्डा जी की सुनते ना खट्टर साहब की सुनते हैं। उन्होंने जो कहा वो हमने बताया, इन्होंने फिर उस पे दो आंकड़े और जोड़े जो आपने इस वो इन्होंने गलत नहीं, नहीं जोड़े इन्होंने ये आप भी पत्रकारिता जैसे आपने कहा, मैं भी पत्रकारिता ऐसे मास्टर डिग्री हूं और पीएचडी कर रहा हूं, मुझे भी चीजों की नॉलेज है। ये जो कर्ज जोड़ा ना बिजली विभागों का, वो एक विभाग का कर्ज जो विभाग की नाकामी थी, उसकी फेलियर थी, उसको प्रदेश की जनता पे जोड़ दिया। प्रदेश का बच्चा एक लाइन में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिजली कंपनियां हैं वो हरियाणा सरकार की हैं, उनके ऊपर जो कर्ज था वो महंगे ब्याज पर था, उसको राज्य सरकार ने अपने ऊपर लेकर हरियाणा राज्य के एक साल में हर साल 1,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। हर साल 1,000 करोड़ रुपए एक फैसले से बचे हैं पिछले 4 सालों से। दूसरी बात, जहां अलग अलग चीजों की बात हो रही है, देखिए वो तो विस्तृत चर्चा पूरे दिन हुई है। मैं सकारात्मक ये मानता हूं कि 600 से ज्यादा सुझाव विधायकों से लिए गए हैं, बाकी अलग अलग वर्गों से लिए गए हैं, और उनमें से मुख्यमंत्री ने कहा है कि 70% को उन्होंने एडजस्ट किया इसमें। ये एक नई पहल है, नई शुरुआत है। और जहां तक जैसे इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, वो तो देखिए 3 लोग उसमें शामिल होंगे, एक तो पॉलिटिकल क्लास जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक हमारे अधिकारी और एक जनता। पॉलिटिकल क्लास ने अपना काम विजन सामने रख दिया, अब अधिकारियों के भी जिम्मे है और जनता के भी जिम्मे है, सबको मिलकर। समय समय हमारा खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो यूटिलाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बात ठीक है जो ये लोग कह रहे हैं कि जी तो बजट में तो केवल आवंटन है जी, इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली जनता को तो फायदा तभी होता है जब इंप्लीमेंटेशन होगा। आंकड़े तो आप हर बार ले आते हैं, हर बार कौन सी सरकार है जिसने ये कहा कि जी हमने एजुकेशन में बजट कम कर दिया, जैसे मैंने कहा बहुत रेयर होता है कि अगर। तो इसलिए असली बात यह है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और निश्चित ही अमली जामा कैसे पहनाया। चलिए ये जो आज का बजट रहा जो वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया, आंकड़ों के लिहाज से ये जो बजट है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें बनी है। अब देखना ये होगा कि इस बजट को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाता है, और जब अगले साल फिर से बजट पेश होगा तो जाहिर है इस बजट पर भी हम नज़र डालेंगे कि कितना जो इस बजट में प्रावधान किया गया था उसको अमली जामा पहनाया गया। बिग शो को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।